मंगलाचरण हो गया है। आज अपन बिना समय खराब किए ये आत्मा का हित मोक्ष इस प्रकरण को पूरा करके पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस प्रकरण पे चलेंगे। मोक्ष आत्मा का हित इसलिए है क्योंकि मोक्ष में दो चीज़ें नहीं हैं। आदमी दुखी किस लिए था कि इच्छा थी, इच्छा तो भरपूर थी और सुविधाएं जीरो थी। दुखी क्यों था कि चाहता तो ये था कि हमें अनंत मिल जाए और मिलता नहीं था दाना, तो चाहता इतना सारा था, मिलता नहीं था कुछ भी, इसलिए दुखी था। अब मोक्ष में क्या हुआ कि मोक्ष में चाह हो गई जीरो, चाह हो गई जीरो और सुविधाएं हो गई अनंत। पहले सबको जानने की इच्छा थी और जान किसी को नहीं पाता था इसलिए दुखी होता था, और अब क्या हुआ, जानने की इच्छा हो गई जीरो, किसी को जानने की इच्छा नहीं है और सबको जानता है। पहले अपने कसाय भाव से सारी दुनिया को प्रणमन कराने की इच्छा करता था और प्रणमित कोई होता नहीं था, और अब क्या हुआ कि प्रणमन कराने की इच्छा खत्म हो गई इसलिए सुखी हो गया। तो अब इच्छा खत्म हो गई और गुण अनंत रूप से प्रणमित हो गए इसलिए सुखी हो गया। ये मोक्ष में सुख की सिद्धि का एक ही कारण है बस, और उस सिद्धि को उन्होंने आठ कर्मों के अभाव से घटाया है कि मोहनी कर्म के कारण सबको चाह, सबको समझ लो अपने अनुसार प्रणमाने की इच्छा करता था और वस्तु प्रणमित होती नहीं है इसलिए दुखी होता था, और अब क्या हुआ कि वो मोहनी कर्म नष्ट हो गया इसलिए कोई वस्तु को परिणमित कराने की इच्छा नहीं रही। इसी प्रकार से एक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और जो आघातीय कर्म है उनकी चर्चा यहाँ की है। मैं संक्षेप में करते हुए तेजी से आगे बढ़ूंगा। देखो पेज नंबर 306। उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरण्यादि कर्म का उदय है। ये उस आकुलता का सहकारी कारण, सहकारी कारण माने क्या, पीछे ये आकुलता का सहकारी कारण मतलब क्या, मैं आपसे जवाब नहीं पूछ रहा, मैं आपके दिमाग में प्रश्न डेवलप कर रहा हूं। क्या सहकारी कारण का अर्थ इतना कि वास्तव में ज्ञानावरण आदि कर्म अपने आप में दुख के हेतु नहीं है। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, इसमें दुख सुख का क्या संबंध है, क्या समझे कि ज्ञानावरणी कर्म का या दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम अपने आप में सुख दुख का कारण नहीं है। तो सुख दुख का कारण कब बनता है कि उसको जब मोहनी कर्म का इंजेक्शन मिलता है, मोहनी कर्म साथ में हो, अरे यार हमें तो याद करते याद ही नहीं होता, हम तो बहुत मेहनत करते हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मोहनी कर्म हो तो ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम दुख का कारण है, और अगर मोहनी कर्म न हो तो वो क्षयोपशम से दुख का कोई संबंध नहीं है। समझ में आई बात नहीं आई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां जो सहकारी कारण रखा ना, इसका मतलब क्या कि एक ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम अपने आप में सुख दुख का कोई कारण नहीं है, क्षयोपशम का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। फिर ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कहा कि मोह के उदय के साथ जो क्षयोपशम होता है वो दुख रूप है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो क्या होगा कि दो स्थितियां बनेगी। एक स्थिति यह बनेगी कुछ चीजों को जानेगा और कुछ चीजों को नहीं जानेगा, क्षयोपशम होगा ना, तो उदय की मिश्र रूप अवस्था है, कुछ गेयों को जानता है और कुछ गेयों को नहीं जानता। तो जब जितनी चीजों को नहीं जानता तो वो नहीं जानना तो अभाव रूप है, वो दुख का कारण कैसे होगा, और जितने को जानता है वो उसका स्वभाव अंश है, ज्ञान तो स्वभाव का अंश है। तो अगर ज्ञानावरण का क्षयोपशम उघाड़ दुख का कारण हो तो फिर केवल ज्ञान तो बहुत दुख का कारण हो जाएगा। बोए क्या मारकर,
नहीं है, कोई बात नहीं। देखो इसको ऐसे समझो कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोपशम में क्या हुआ कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोपशम में दो चीजें हुई कि क्या क्या हुई कि कुछ ज्ञान का उघाड़ हुआ और कुछ ज्ञान का उघाड़ नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ ना। आधी वस्तु दिखाई दी, आधी वस्तु नहीं दिखाई दी, पर्दा आधा हो गया ना, छोपछम इसी का नाम है। तो जो उघाड़ हुआ वो उघाड़ किसका हिस्सा है कि वो उघाड़ तो ज्ञान का हिस्सा है। तो अगर ज्ञानावरणी कर्म का उघाड़ छोपछम दुख का कारण हो तो फिर केवल ज्ञान को तो और ज्यादा दुख का कारण होना चाहिए। क्यों? जब इतना सा ज्ञान दुखदाई है तो इतना बड़ा ज्ञान कितना बड़ा दुखदाई होगा। और जो उघाड़ नहीं है तो वो तो असत्ता है ही नहीं। तो जब वो कोई वस्तु को जानता ही नहीं है तो वो दुख का कारण क्यों होगी। तो ज्ञानावरणी आदि दर्शनावरणी इन कर्मों का क्षयोपशम अपने आप में दुख का कारण नहीं है। इसमें अंतराय को भी शामिल कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। अरे अंतराय क्यों, आप तो शेष चारों आघातीय कर्मों को भी शामिल कर लो, हमें कोई ऐतराज। ज्ञान कितना है इससे लेना देना नहीं है, उस ज्ञान के साथ मोह का उदय कितना इससे लेना देना है, दर्शन के कितना है इससे लेना देना नहीं है, दर्शन के साथ मोह का उदय कितना है उससे लेना देना है, अंतराय का मतलब तुम्हारे पास साधन सुविधा कितनी है इससे लेना देना नहीं है, उसके साथ तुम्हारे पास कषाय शक्ति या मोह का उदय कितना है उससे लेना देना है। ऐसे ही अघातीय कर्मों के संदर्भ में कि हम गोरे हैं कि काले हैं इससे क्या लेना देना है, मोह का उदय कितना उसे लेना देना है। समझ में आई? तो अब शेष आठों कर्मों के संदर्भ में आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये आठों कर्मों का उदय या क्षयोपशम अपने आप में सुख दुख का कोई कारण नहीं है। ये सुख दुख का कारण कब बनते हैं कि जब मोह कर्म का उदय होता है। ये तो मैंने यहां आकुलता का सहकारी कारण के कारण इतनी व्याख्या की कि सहकारी कारण मतलब ये कि मोहनी कर्म का उदय हो तो वो क्षोभम ज्ञान दुख का कारण हो जाता है, और मोहनी कर्म का उदय ना हो तो वो क्षोभम ज्ञान दुख का कारण नहीं होता। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, ये तो हुआ फैक्ट। अब दुख क्यों हुआ कि इसलिए सबको जानने देखने की आकुलता होती है। ये आकुलता कौन है? ये आकुलता ज्ञानावरण दर्शनावरण है कि मोहनी कर्म है? ख्याल में आया ना? तो दुख कैसे आया? क्षोभ समझेगा मोहनी कर्म से, तो मोहनी कर्म दुख का कारण हुआ। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है, और मोक्ष में ये नहीं होता। संसार में दुख किस लिए था? कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय कम है, क्षयोपशम है, जानने की इच्छा सबको है और जानने को मिलता नहीं है इसलिए दुखी है। और मोक्ष हो गया तो क्या हो गया कि जानने की इच्छा खत्म हो गई और जानने की सामर्थ्य प्रकट हो गई इसलिए सुखी हो गया। ऐसे ही अंतराय के संदर्भ में कि अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। फिर वही बात कि अंतराय के उदय में क्या हुआ, जो चाहता है वो नहीं कर पाता। अंतराय का उदय क्या करता है? आज हमारी इच्छा थी कि आज हम पिक्चर देख के आए, जिम में पैसे ही नहीं है। आज इच्छा ये थी कि बढ़िया खाना खाएंगे, समय पे घर ही नहीं पहुंच पाए, इसका नाम क्या हुआ? आज हमारी इच्छा ये थी कि हम आज कोई अच्छी चीज पढ़ाएंगे, हमें ध्यान ही नहीं रहा, हम किताबें ही नहीं ले गए, ये क्या है? ये सब अंतराय के उदय है ना, कि जो चाहा वो नहीं कर पाए, शक्ति की पराधीनता हो गई। तो अंतराय का उदय दुख का कारण है कि अंतराय के साथ जो चाह थी वो दुख का कारण हुआ? समझ में आया ना? इसलिए मोहनी कर्म का उदय हो तो अंतराय दुख के कारण में निमित्त बनता है, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्या करना है?
बहाने तो सबके पास बहुत सारे हैं, हम इससे का लेना देना, वो अलग सेक्टर है, जी अलग सेक्टर है। कायदा तो ये कहता है कि मैं आपसे कहूंगा वापस चले जाओ, लेकिन सज्जनता ये कहती है कि आप आ गए हो तो बैठ जाओ, तुम अपनी सज्जनता निभाओ ना निभाओ हम तो निभाएं। ठीक है, अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान आदि ना बने तब आकुलता होती है। फिर आगे, अब ये अंतराय की बात हो गई, पहले पैराग्राफ में मोहनी की बात हुई, अगले पैराग्राफ में ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात हुई, उसके अगले पैराग्राफ में अंतराय कर्म की बात हुई। अभी तक काय की बात चल रही है? घाती कर्मों के कारण ये जीव दुखी है, ये बात चल रही है। फिर बाद में एक उपयोग कहेंगे कि ये चीज वहां नहीं है इसलिए मोक्ष में सुख है, कि मोहनीकरण के कारण जीव दुखी है और मोक्ष में मोहनी कर्म नहीं है इसलिए सुखी है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के कारण ये जीव दुखी है और मोक्ष में ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं है इसलिए जीव सुखी है, अंतराय के कारण जीव दुखी है और मोक्ष में अंतराय नहीं है इसलिए जीव सुखी हो जाता है। देखो, ज्ञानावरण ए मोहनी, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इनके लिए अलग अलग हिस्से खड़े किए। और इसमें भी देखो कि मोहनी के लिए लगाया कम से कम आधा पेज, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों को चार लाइन में निपटाया और अंतराय को भी चार लाइन में पूरा कर दिया। ठीक है, और फिर शेष चार कर्मों को एक पैराग्राफ में ही पूरा निपटा दिया। क्या मतलब इसका? कि इसका मतलब ये है कि ये जो चार अघातीय कर्म है ना, जिस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण दुख के कारण है अथवा दुख में जिस प्रकार निमित्त हैं, ये अघातीय कर्म उस प्रकार भी दुख में निमित्त नहीं है, माने इनके दुख में निमित्तता और दूरवर्ती है। ये अंतरंग कारण है और ये बहिरंग कारण है। अंतराय जिस प्रकार दुख में कारण है, अघातिया उससे भी ज्यादा बाहर दूर दुख का कारण है। कि अघातिया कर्मों के उदय में क्या होता है? अघातिया कर्म जो हैं, अघातिया कर्म किसे कहते हैं? रुको 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 रुको, पीछे, अब मैं कैसे नाम तो मैं ले नहीं सकता। हाँ जी जी, क्या बोलूं मैं, अब जानबूझ के दब जाते हैं। इस सबसे पीछे की बेंच पे जो बच्चा बैठा है ना, हाँ तुम, ये तुम्हारे बगल में, हाँ ये खड़े हो, सुनाई नहीं दिया क्या? ये क्या होते हैं प्रतिजीवी गुण? क्या होते हैं? चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर दो तुम तो हमें, देसी भाषा में समझा दो थोड़ा सरल सा। तुम्हारे बगल वाले से बोलो, खड़े हो हैं? अरे परिभाषा तो उसने हमें सुना दी, हम मतलब समझ में नहीं आया। चलो, घाती कर्म किसे कहते हैं? अच्छा, अमन के पीछे वाले बच्चे को, अमन के पीछे, तुम्हारे पीछे कौन बेटा? खनिया दाना? अरे नहीं यार, ये तुम्हारे बगल में रेड शर्ट इसे देख रहा है, पीछे नहीं आगे। हाँ बोलो, बैठो बैठो बैठो। देखो, घातिया घातिया कर्म के संदर्भ में एक छोटी सी बात समझ लो। घातिया कर्म किसे कहना? कि जो अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान करे उसका नाम है घातिया, और जो अपनी प्रॉपर्टी का घात तो न करे पर उसमें सहयोगी बने उसका नाम अघातिया। ये बहुत स्थूल बता रहा हूं समझने के लिए। कि ज्ञानावरण कर्म ये घाती कर्म है, ये क्या करता है? आत्मा के ज्ञान गुण का घात करता है। ज्ञान आत्मा का गुण है ना, और उसको प्रकट नहीं होने देता, इसका नाम है ज्ञानावरण कर्म, घातीय कर्म है। और अघातीय कर्म कौन से हैं?
कि मोहनी कर्म अघातीय कर्म है। मैं देख रहा हूं कि मैंने जो बोला किसी के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन ही नहीं आया कि इनने भूला का है। मैं जिनके चेहरों पे देखना चाहता हूं उनके चेहरे पे नहीं आया। जैसे होती है सत्यनारायण की कथा हो रही है, हमने पंडित जी को बुलाया है, पंडित जी कथा वाचेंगे, पैसा हम उन्हें दे देंगे, पुण्य हमें दे जाएंगे। अरे भैया ये सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है, थोड़ा उपयोग लगा के सुनो। मैं फिर आपसे कहता हूं, इतनी मेहनत करके इतना श्रम करके आप यहां आए हो, दोपहर के समय में बैठना कोई आसान काम है? वज्र पुरुषार्थ का काम है। हाँ देखो ये अनुभव की बात है, तो बैठे हैं ना यहां, तो जब बैठे हो तो फिर सुनना भी चाहिए उपयोग पूर्वक। ये मोहनी कर्म घातिया है क्या अघातिया? घातिया। और अघातिया कर्म वेदनीय है, बराबर। अब वेदनीय कर्म क्या करता है कि अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री की जुगाड़ करता है। और क्या है? कोई शर्ट मिली, ये वेदनीय कर्म के उदय से मिली। अब ये शर्ट में मजा आ जाए तो साता वेदनीय का उदय, और इसमें अरे यार कहां से मिल गई, ये क्या है? यह साता कर्म का होता है। ऐसा ही है कि नहीं है? कि जो सामग्री हमें मिली अगर उसमें हमें अनुकूलता का वेदन हो, इसलिए कोई चीज ऐसा नहीं है कि ये साता के उदय से मिली क्या साता के, मारुति कार साता के उदय से क्या साता के उदय से, अगर उसमें आनंद आए तो साता के उदय से, और आनंद ना आए तो जिस लड़के को प्रवचन करना नहीं आता उससे कहा जाए कि भाई साहब शाम का प्रवचन तुम्हारा, तो बोलो साता वेदनी क्या साता वेदनी। और जिस लड़के को प्रवचन आता है उससे कहा जाए कि इस साल तुम्हारा प्रवचन नहीं होगा, ख्याल में आ गया ना? माने अनुकूलता जिससे कारण हो उन साधनों को साता वेदनी के उदय का कार्य कहा जाता है, और जिन संयोगों में हमें प्रतिकूलता का वेदन हो उन संयोगों का होना वो क्या है? असाधा वेदनी का काम है। तो ये अघातिया कर्म, अघातिया कर्मों ने क्या किया कि उन अघातिया कर्म संयोगों पे फलते हैं, कि शरीर मिलेगा, आवाज मिलेगी, रंग रूप मिलेगा, घर मिलेगा, स्त्री पुत्र मकान मिलेंगे, ये सब काय के कारण से? ये सब वेद अघातिया कर्मों के कारण से। तो अघातिया कर्म संयोगों पर फलते हैं, तो संयोग तो वास्तव में हमारे सुख दुख के लिए कहीं कहीं काम के नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है उनका, इसलिए वे ज्यादा दूरवर्ती हैं, इसलिए उनके लिए इतना सा हिस्सा निपटा दिया। ये तो मैं अपने अपने एंगल से कह रहा हूं, और तथ्य भी ऐसा ही है, इसमें ये लिखा थोड़ी है, लेकिन इसलिए क्योंकि साता असाता के कर्म अथवा आघातिया कर्मों का में सुख दुख की कल्पना बहुत स्थूल है। और मजेदार बात यह है कि हमारा जीवन का बहुभाग साता असाता अथवा अघातिया कर्मों की जुगाड़ में निपट जाता है। हम सुखी होने या दुखी होने के लिए प्रयत्न काय बात पे करते हैं? जो दुख के असली कारण उन पे करते हैं कि जो दुख के नकली कारण उन पे करते हैं? हम दुखी हैं काय बात से? पंखे की आवाज बहुत आ रही, ये कौन से कर्म का काम है? सोचो। नहीं यार ये घर अच्छा नहीं है, यार गजब कर रहा है। माने जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन चीजों पे हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम उन्हीं चीजों में माथा गूट कर रहे हैं, और फिर क्या समझते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं। माने असली बात तो ऐसी है कि पहला मटका उल्टा रखा है, अब उसके ऊपर आप जितने मटके रखोगे वे कैसे रखे जाएंगे? उल्टे रखे जाएंगे। यही हो रहा है कि हमने दुख की दृष्टि बाहर की तरफ से देख रखी है, और ये कह रहे हैं कि दुख की दृष्टि बाहर की तरफ है ही नहीं, दुख का मूल कारण तो इच्छा है, तो इच्छा को तो कोई देखता नहीं, संयोगों की उखाड़ पछाड़ में हर आदमी लगा है, तो सुखी कैसे होगा? तो सुखी होने की क्या विधि है? कि जहां इच्छा का अभाव हो उसका नाम सुख है, और इच्छा का अभाव कहां है? कि मोक्ष में इच्छा का अभाव है, इसलिए मोक्ष में सुख है।
तो ये आघातीय कर्म हो गए, मैं आघातीय कर्म का ये पैराग्राफ पढ़ नहीं रहा हूं, मैं अंतिम उसके नीचे का उपसंहार पढ़ रहा हूं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है, इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। कि आत्मा का हित मोक्ष आप क्यों कह रहे हो? कि मोक्ष किसे कहते हैं? कि सर्व कर्म भी प्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों का निपट जाना इसका नाम मोक्ष है। तो सारे कर्मों से क्या लेना देना था? कि उनका उदय या क्षयोपशम हमारे लिए सुख दुख का कारण बनता था और अब वे नहीं रहेंगे तो वे हमें सुख दुख का कारण नहीं बनेंगे, इसलिए मोक्ष में सुख है। मोक्ष माने कोई स्थान विशेष का नाम नहीं, मोक्ष माने सर्व कर्मों से रहित निराकुल अवस्था, उसका नाम मोक्ष। वो तो उनका होम एड्रेस है, रहते कहां है कि वे सिद्धालय में रहते हैं, लेकिन मोक्ष किसका नाम है? कि सर्व कर्मों से रहित जो निराकुल अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। तो सुख काय में कि निराकुलता में सुख है, इसलिए आत्मा का हित क्या है? कि आत्मा का हित मोक्ष है। क्यों? निराकुलता मोक्ष में है। क्यों? क्योंकि हम निराकुलता चाहते हैं, आकुलता दुख है, निराकुलता ये है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे नहीं। एक आकुलता वाला छंद भी है ना छड़ाला में, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता वेन कहिए, कि हमें आकुलता चाहिए तो आकुलता हमें निराकुलता चाहिए तो निराकुलता कहां है? कि निराकुलता इसमें है, इसलिए मोक्ष का को सुख का कारण कहा है। माने मोक्ष कहती हमें क्या लगता है? हमें घर छोड़ना पड़ेगा। ये कौन ने कही आपसे? निराकुल होने का नाम मोक्ष है। अब ये बात अलग है कि जो निराकुल होता है वो यहां रहता ही नहीं है, वो सिद्धालय में जाता है। निराकुल लोगों की कॉलोनी अलग है, समझ लो अरबपति लोग स्लम में नहीं रहते। जो आदमी करोड़पति अरबपति होता है वो कच्ची बस्ती में नहीं रहता, तो ये कच्ची बस्ती है, ख्याल में आया ना? तो जो निराकुल हो जाता है वो सिद्धालय की ओर गमन करता है, इसमें क्या गजब बात है? पर सिद्धालय मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो वो दशा का नाम है। कि निराकुल दशा उसका नाम मोक्ष है और यही आत्मा का हित है। क्यों? आत्मा निराकुलता चाहती है अथवा सुख चाहती है, निराकुलता और सुख एक ही बात है। अब अगला प्रश्न जो आपके लिए समझ लो थोड़ा काम का है, प्रश्न सुनो। संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए मोक्ष में हित है, ऐसा क्यों कहते हो? शिष्य टोडरमल जी से प्रश्न कर रहा है। ये पीछे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ग्रंथ अपने पास नहीं है, उनके हाथ में हाथ उठाएंगे जरा, एक बार हाथ उठाओ, कितने लोगों के पास ग्रंथ नहीं है, ऊंचा हाथ। तो क्या अपन कथा वाच रहेगा? कल से जो भी कक्षा में आए वे ग्रंथ के साथ आए, ये बिना ग्रंथ के कक्षा में नहीं आना चाहिए। पाठ्य पुस्तक है ही नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रही है? चलो, संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर जीव सुखी होता है, इसलिए मोक्ष में ही सुख है, ऐसा क्यों कहते हो? शिष्य ने प्रश्न क्या किया कि महाराज मोक्ष में सुख है, तुम खूब कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जे भी तो कहो कि बढ़िया लड्डू खाओ, एयर कंडीशन घर में रहो, एयर कंडीशन गाड़ी में रहो, सब चीज में अनुकूलता हो, चक्रवर्ती के घर पैदा हो जाओ, तो इसमें भी सुख तो है। अब तुम्हें नहीं दिखता, अलग बात है, हमें तो दिखता है। ये प्रश्न है कि क्या कि पुण्य कर्म के उदय में संसार में भी सुख देखा जाता है, इसलिए मोक्ष में ही सुख है, ऐसा क्यों कहते हो? संसार में भी सुख है ऐसा कहो। बोलो इस उत्तर का क्या, प्रश्न का क्या जवाब होना चाहिए? बोल भाई, क्या नाम इसका? हाँ नहीं, तुम्हारे पीछे, हाँ ऐसे शर्मा रहा है जैसे का पूछ लिया।
नहीं बात तो सही गई, लेकिन हम जैसी आपसे अपेक्षा करते थे वो जवाब नहीं आया। पीछे लाइब्रेरी हमारे, हाँ खड़ा हो। ये शास्त्र की बात नहीं बोलो, चलो अनुभव बोले वो है खनिया दाना, आज मूड में नहीं है, खड़े हो। क्या नाम इसका, टोटरमल जी, शास्त्री जी बोलो बैठो। देखो ऐसा है, संसार में सुख है हमें ये कहने में बिल्कुल, हाँ बोलो चलो आप। बात तो सही है, ये तो जो उत्तर इनने दिया, जो उनने दिया, जो इसने दिया और जो इसने दिया, उत्तर तो सभी सही हैं, उत्तर कोई गलत थोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि संसार में सुख है ये कहने में हमें कोई एतराज नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि लड्डू खाने में मजा नहीं आता, बिल्कुल आता है। आज मालपुए खाए तो मजा नहीं आया, आया, और बल्कि तीन तीन खाए, तो कौन ने कहा कि संसार में मजा नहीं है, है। लेकिन वो मजा का करें जिसके पास सजा है, परमानेंसी कहां है। एयर कंडीशन गाड़ी सबसे अच्छी होती है लेकिन अगले दिन ठुक जाती है तो मजा आ जाता है, बोलो। बहुत बढ़िया एयर कंडीशन हाउस होता है और फिर एक आध दिन जमीन में भी आ जाता है फिर। तो तुम पुण्य के उदय से जो सुख कहते हो वो सुख कदाचित सुख तो है, एक कंधे का भार उस कंधे पे ट्रांसफर करना तो है, लेकिन रिलैक्सेशन तो हुआ ना, हम इसको भी सुख कह देते। लेकिन हम सुख तब कहें जब इसकी कोई परमानेंसी की गारंटी हो। ये तो बुखार था और पैरासिटामोल खा ली, तो ये तो वेरी टेम्परेरी, बल्कि उल्टा और हो गया कि अभी बुखार दिखाई नहीं दे रहा है, फिर जाके दौड़ेगा तो बुखार दुगनी तेजी से आएगा। भाई बीमारी का कारण तो मिटा नहीं, और बुखार मिट गया तो वापस अपने काम पे आ गया, तो अब क्या होगा कि शाम को दुगनी तेजी से बुखार आएगा, अब उठ भी नहीं पाएगा। तो पुण्य के उदय में सुख जो कहते हो ठीक बात है कि पुण्य के उदय में सुख तो है, लेकिन ये सुख कैसा है कि सबसे पहली बात तो है कि वो सपरम बाधा संयम, वो जो समझ लो समय सार की गाथा है, प्रवचन सार की, वो गाथा तो है ही कि वो उसको सुख कहने का क्या मतलब, वो तो सुखाभास है। अथवा समझ लो तीव्र दुख की बजाय वो मंद दुख है, मंद दुख को सुख कह रहे हो आप। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक और है कि हम मंद दुख को भी कह देते ये सुख है, लेकिन सब कहते हैं कि वो परमानेंट रहता, कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती में मरे तो कहां जाता है। कोई चक्रवर्ती अपनी पोस्ट पे मरे तो कहां जाता है कि साथ में नरक जाता है, बोलो चक्रवर्ती तो का फल क्या है। चक्रवर्ती का फल क्या है कि चक्रवर्ती के राज को भोगा तो इतनी इनाम मिली कि साथ में नरक जाना पड़ा, तो बोलो सुख के दुख। तो पुण्य का उदय सुख का कारण है कि दुख का कारण, माने जिस पुण्य के उदय से साथ में नरक जाना पड़ा, जिस भोग के भोगने से हमें निगोद त्रियंच गति में जाना पड़ा, नरक गति में जाना पड़ा, उस पुण्य के उदय को हम सुख का कारण कैसे कहें। मैं इस एंगल को डेवलप करना चाहता था, ख्याल में आई बात। चलो दुख, बाकी जो बातें हैं वो सब आप अपन ने कह लिए हैं। इसलिए अब अपने इसका उपसंहार पढ़ते हैं, पेज नंबर 309। तथा मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। एक सेकंड, अरे दादा को बोल देना क्लास में है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं,
इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। ये कहाँ किया? तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में करके आए ना। ये वह भी इसी प्रयोजन के अर्थ किया, उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है। माने इस पूरे प्रकरण का उपसंहार क्या रहा? इस पूरे प्रकरण का उपसंहार ये रहा कि यह जीव अनादि काल से दुखी है, आकुलता के कारण से दुखी है, निराकुल होना चाहता है और उसके लिए जो प्रयत्न करता वे प्रयत्न उसके सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जिनसे आकुलता होती है उनको ही वो निराकुलता करने के लिए पैदा करता है, इसलिए वो सुखी नहीं होता। तो फिर क्या करे कि सुखी होने के लिए जो दुख के मूल कारण है उनकी पहचान करे और उनको दूर करे तो सुखी होगा। तो दुख का मूल कारण क्या है? कि दुख का मूल कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, तीन चीजें, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये है। तो इसको मिटाए तो असली निराकुल सुख उत्पन्न होता है और उस असली निराकुल सुख का नाम ही मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष है, इसलिए हमें सुख प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और इसी बात को आठ कर्मों के एंगल से कहा गया कि यह जीव मोहनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और अघातीय कर्मों के उदय के कारण दुखी होता है। ये आठ कर्मों का अभाव करे तो तद्जन आकुलता मिट जाएगी और निराकुल होकर के पूर्ण सुखी होगा। इसलिए आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। इतनी बात हुई। और इसी में सेकंड पैरा के रूप में एक बात ये भी हुई कि संसार में भी कदाचित पुण्य की अनुकूलता को सुख कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पुण्य की अनुकूलता सुख नहीं है, सुखाभास है। दूसरी बात है कि पुण्य की अनुकूलता भी सदाकाल नहीं रहती। और तीसरी बड़ी बात है कि पुण्य की अनुकूलता प्रतिकूलता का बीज है। क्या कहा? ये समझने वाली बात है। ये कौन सी बात है कि चक्रवर्ती मरे तो साथ में नरक जाता है, तो चक्रवर्तित्व का जो पुण्य फला तो कितना बढ़िया फला कि नरक गया। और कौन से? कि साथ में नरक गया। तो पुण्य के उदय से अनुकूलताएं मिलती हैं, ये पुण्य का उदय है, और अनुकूलताओं में रम जाना ये पाप का कारण है और पाप का फल दुख रूप होता है। इसलिए ये सुगर कोटेड ऐसी गोलियां हैं जिसमें जहर भरा है। दिखाई तो देता है पुण्य का उदय, और पुण्य के उदय में जब ये जी मगन होता है तो फलता क्या है? पाप विषयों को निराकुल रूप से भोगना, ये क्या है? ये पाप है। तो पुण्य का उदय भी पाप रूप फलता है। इसलिए संसार में सुख है यह कहना दृष्टि का दोष है। संसार में किसी अपेक्षा से सुख नहीं है। और संसार माने क्या? इस संयोग और संयोगी भाव, इनका ही नाम संसार है और संसार का है। और हम सुख के लिए इन संयोग और संयोगी भावों की उठापटक में लगे, इसलिए संयोग और संयोगी भावों के ग्रहण त्याग के विकल्प से कोई आज तक सुखी हुआ नहीं। इसलिए उनसे दृष्टि हटा करके असंयोगी परिणाम को देखेंगे तो ये आकुलताजन्य दुख दूर होगा और निराकुलताजन्य परम सुख प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा को अपने हित की चिंता में लगना चाहिए कि आत्मा का हित क्या है? कि आत्मा का हित मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, ये प्रकरण का उपसंहार हो गया। अब आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो इस एंगल से आप अपनी बात देख सकेंगे। अब अपन दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। अच्छा तो ये होता कि पहले आप पढ़ के आते फिर मैं बोलता तो आपको कुछ रियलाइज होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं बोलता हूं फिर आप पढ़ना तो भी आपको ये बात ख्याल में आएगी। समस्या ये है कि हर जीव मोक्ष जाना चाहता है और मोक्ष जाने के लिए क्या करे? ठीक है, आपने कही ना आत्मा कहते मोक्ष है, एग्री। अब बताओ मोक्ष जाने के लिए क्या करूं? कौन से स्कूल में एडमिशन लूं? मोक्ष की पाठशाला क्या है जहां मैं जाकर के पढ़ाई करूं?
तो फिर आप कहते हो कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम, जो जब होना होगा जब हो जाएगा। मोक्ष में कहूं कि आज हो जाएगा तो संभव है क्या, कि नहीं है, कि कब होगा, कि जब भवितव्य में होगा। तो जब भवितव्य में मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा, तो फिर अभी उसका उपदेश क्यों देते हो। समस्या ख्याल में आई कि नहीं आई। समस्या ये है कि तुम ये कह रहे कि मोक्ष प्राप्ति में लगो, तो अब मैं मोक्ष प्राप्ति में लगूं तो करूं क्या। मोक्ष प्राप्ति करनी है ना, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं। जैसे भूख लगी तो भैया भूख लगने मिटाने के लिए काम करो, कि क्या करो, कि रोटी बनाओ। रोटी बनाओगे और फिर रोटी खाओगे तो भूख मिट जाएगी। कि पिक्चर देखना है कि क्या करो, कि कोई टॉकीज में टिकट बुक करो और फिर वहां जाओ। ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करूं, कि मोक्ष प्राप्त के लिए मैं क्या करूं। तो आप कहते हो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तो अभी तो कुछ करने से होगा नहीं, मोक्ष तो जब होना होगा जब होगा, तो क्या करूं बताओ। शिष्य का प्रश्न ये है, समय हो गया क्या, ये घड़ी बड़ी तेजी से दौड़ती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य जब होगा, सुनना आप जरा इधर, कोई भी काम होगा तो वो काम पांच लब्धियों से होगा। पांच चीजें होंगी ना, कौन कौन सी, कोई भी क्रम से पकड़ लो, स्वभाव से पकड़ लें, स्वभाव, काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और निमित्त, बराबर। ऐसे कह दो कि क्या हुआ, तो पांच संभाई तो कह रहा हूं मैं, लब्धि नहीं संभाय। कोई भी काम पांच संभाय से ही पूरा होगा, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ, निमित्त पुरुषार्थ। तो ये पांच चीजें होंगी तो काम होगा, और इन पांचों में से कोई एक अब्सेंट हो गया तो काम नहीं होगा। देखो निमित्त है और स्वभाव नहीं है, वो नहीं, मार्कर नहीं है यार, कल देना। निमित्त है और स्वभाव नहीं है तो काम होगा क्या, नहीं होगा। चलो ये दो हैं और होनहार नहीं है, चलो ये तीन हैं फिर ये नहीं है, और ये चार हैं और ये नहीं है, तो ये पांचों होंगे तो काम होगा, और इन पांचों में से कोई भी एक नहीं होगा तो काम। ये बात मैं कई बार इस बात के लिए भी कहता हूं कि जो लोग अपने दिमाग में निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, निमित्त से कुछ लेना देना नहीं है, इस बात के बुखार में पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें इस बार इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कार्य के होने में पांच संभाय होते हैं, और पांचों संभाय की 100% उपस्थिति चाहिए। स्वभाव भी 100% है तो निमित्त भी 100% है। ये कहते ही लोग हाँ देखो ये सही आदमी आए, इनने कही के काम निमित्त के बिना नहीं होता। अरे भैया हमने ये नहीं कही, हम तो ये कह रहे हैं कि निमित्त को ढूंढने की जरूरत है। निमित्त किसको कहते हैं, कि जब कोई काम हो तो उसके अड़ोसी पड़ोसियों को, परिभाषा तो यही है कि जब कोई कार्य संपन्न होता है तो उसमें अनुकूलता का आरोप जिस पे आए उसको निमित्त कहते हैं। तो लड्डू बना, एक कार्य हुआ, तो अब इसका निमित्त कारण कौन, क्या वो बाई भी हो सकती है, वो हलवाई भी हो सकता है, वो गैस की भट्टी भी हो सकती है, हजारों चीजें हैं, वो लोहे की कढ़ाई भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी हो सकती है, कछु भी हो सकता है, ये तो सब निमित्त हैं। तो निमित्त को ढूंढ, निमित्त की तरफ ध्यान नहीं दो का अर्थ सिर्फ इतना है कि निमित्त कोई फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन निमित्त को ग्रहण करने से काम होगा, इसलिए हम ये कहते हैं निमित्त पर से दृष्टि हटाओ। क्यों, हमें नहीं पता निमित्त क्या है, आप तो स्वभाव की दृष्टि करो तो बाकी सब चीजें अपने आप उपलब्ध हो।
हो जाएंगे। तो अभी अपन ने इस प्रकरण को शुरू नहीं किया है, अब आप इसको पढ़ना एक पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति को और इस संदर्भ में पांचों समवायों की परिभाषा, उनका सामान्य ज्ञान और फिर पांचों समवाय में से हम किस समवाय पे फोकस करें कि वो पुरुषार्थ पे फोकस करें। तो फिर वो पुरुषार्थ पे फोकस करें तो पुरुषार्थ क्या है, वो किस प्रकार के पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होगी, इसकी चर्चा अपन कल के पीरियड में करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा पढ़ के आए। आज अपन ने आत्मा का हित मोक्ष है इस प्रकरण को पूरा किया है।